वाओ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और इतनी ज्यादा कमी है ना। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फेरी वर्ल्ड ब्लॉग चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी बिकॉज मैं जा रही हूँ आज अगेन अपनी फैमिली के साथ एक चिल आउट पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं दरगाह हाजी अली। शाम के कुछ बज रहे हैं 5, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सब काम फिनिश करते हुए। तो फाइनली अभी हम लोग जो है वो रेडी होके निकल चुके हैं और ये मिल लो मेरे पापू छे। मेरे पापू को ही हम लोग लेके जा रहे हैं दरगाह, क्योंकि मेरे पापू को दरगाह पे लेके जाना था हमें। तो फट से हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाकी पीछे सब रेडी होके आ चुके हैं। कुलसुम भी रेडी हो गई है और तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। कुलसुम भी रेडी हो चुकी है और यहाँ मुस्कान भी रेडी हो चुकी है। और ये पापू को देख लो, मेरा बच्चा कितना क्यूटी सा दिख रहा है, क्यूटी सा शूज पहना हुआ है। तो फट से हम लोग अभी निकलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं माथुरा स्टेशन, मतलब अभी नेक्स्ट स्टेशन दादर आने वाला है। और ये वक्त हम लोग को जाना मतलब हाजी वाली में होना चाहिए था, बिकॉज जो सनसेट होता है पानी में खेलने का मज़ा यही वक्त होता है। बट हम लोग लेट हो गए क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, बच्चा था, और घर के काम वगैरह करने में हमें बहुत लेट हो गया। तो ये देख लो मेरे बच्चे को कैसे सो रहा है, अभी दूध पिया इसने और दूध पी के अभी इसके मज़े है, मज़े अच्छा सो रहा है बस आराम से। तो फट उतरते दादर स्टेशन और पहुँचते जल्दी से। तो फाइनली हम लोग ने दूसरी वाली गाड़ी जो है वो दादर से एक्सचेंज कर ली है और अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ये भेल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महालक्ष्मी स्टेशन और अब यहां से हम लोग जा रहे हैं टैक्सी से हाजी अली, क्योंकि महालक्ष्मी स्टेशन से जो हाजी अली है वो बहुत नज़दीक है। लाइक है ना आपा, महालक्ष्मी स्टेशन से नज़दीक पड़ता है, भाईकला से भी जा सकते हो, बहुत सारे वे से जा सकते हो, बट हमें ये रूट बेस्ट लगा इसलिए हम लोग ये रूट से आए। तो फाइनली हम लोग हाजी अली के थोड़े से दूर है, थोड़े से दूर। अब बस ऐसे ही है कि उजाला होने से पहले चले जाए तो थोड़ा बहुत मैं आपको हाजी अली दिखा दूंगी कि ये वक्त क्या माहौल है क्या नहीं। और मेरा गप्पूरी छो ही रहा है, उठा नहीं है बिल्कुल भी अभी तक का। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हाजी अली और ये सामने क्रॉसिंग करके जाना है हमें हाजी अली, तो हम ये क्रॉसिंग का ले लेंगे। ये जो ब्रिज है क्रॉसिंग की, इधर से जाएंगे उधर सामने हमें जाना है। तो ब्रिज के नीचे ऐसे मार्केट लगती है थोड़ी क्रॉसिंग पे, कितना ज़्यादा क्राउड है, बाप रे बाप। कैब दे कुलसुम, ए कुलसुम कैब दे, कैब ले रही है। फाइनली हम लोग हाजी अली पहुंच गए और ये हाजी अली जूस सेंटर जो बहुत ही पुराना है, देख लो 1970 से ये है। अभी चलते हाजी अली के अंदर। फाइनली हम लोग एंट्रेंस में वो आ चुके हैं और ये है हाजी अली के दरगाह का, ये मस्जिद है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एंड यहाँ से सब चादर वगैरह लेने के लिए चालू होता है। ये पूरा मार्केट है दरगाह के, थोड़ी दूर तक ऐसा मार्केट पूरा लगा रहता है। उसके लिए नहीं, बच्चे लोग भी तो अपने घर में, और भी ये देखिए ये खिलौना बच्चे लोग का हंडी कल से लाइक कितना मस्त मस्त है। हाँ रुकना, ये कांच का पूरा खिलौना है। आपा टी सेट कुछ कितने का है? और एक वहाँ पर है वो चाय का कप, कप कैसे नहीं है, कितनी प्यारी प्यारी है। वो पूछना वो ये एलिफेंट, एलिफेंट में पांडा कितने का है? और पांडा भी बताओ, ये एलिफेंट कितने का? एलिफेंट लेते जोहान के लिए पांडा। हाँ पांडा, पांडा और एलिफेंट है। और एक वो मंकी भी कितना क्यूट है, कितने का है? 170। और एक वो भी है लाइक, वो थोड़ा सा बताओ ना भाई, वो ग्रीन कलर का मेंढक, मेंढक क्या है वो, कछुआ है ना भाई? हाँ ये बताओ ना भाई। हाँ ये कछुआ, अरे हमारे नमूना में 100 रुपए का है। हाँ ये बाबू के लिए देखना है ना, खेलेगा। गाड़ी पूछ, गाड़ी
सात के लिए। गाड़ी कितने की है भाई? अरे गाड़ी अच्छी है। और खिलौना पूछ जा रहा वहाँ पे, खिलौना कितने का है? खिलौना कितने का है? अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ। गाड़ी बोले ना, वो सेट दिखाओ ना जरा, वो सामने वाला। हाँ ये आप देखिए अभी, बता कितना प्यारा लग रहा है। ये सब वो वाला है, जर्मन का है। फ्रेम भी माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी है ना। तो फाइनली यहाँ से मुझे अभी समुंदर दिख रहा है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मस्त वाली। और हाजली का पानी बहुत कम हो गया है क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बताई थी यहाँ पे सब काम चालू है, तो लाइक इसकी वजह से ना सब बंद कर दिया। ये दूर दूर से देखो सब है, एंड सामने दरगाह है, बहुत नज़दीक है हम लोग दरगाह के। फटाफट चलते दरगाह के पास। तो फाइनली हम लोग हाजली पहुँच गए हैं और क्लाइमेट बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। वाओ ये देख लो, अभी अंदर चलते हैं। फाइनली हाजी अली का मंजर माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, मतलब खूबसूरत लग रहा है। और इतनी ठंडी हवा चल रही है, लाइक यहाँ पर आके लग ही नहीं रहा है गर्मी का मौसम है। और क्राउड देख लो, क्राउड कितना ज़्यादा है। वाओ मम्मा मम्मा ली, कितना प्यारा लग रहा था ना। एंड यहाँ पे फोटोग्राफी का भी, अगर आपके पास कैमरा वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से फोटोग्राफी निकलवा सकते हो, 30-40 रुपए एक फोटो के। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं हाजी अली के अंदर, और सामने लाइक है फूड कोर्ट लाइक, और यहाँ पे रहने के लिए है, स्टे वगैरह के लिए ये रहने वाली बिल्डिंग है। एंड सामने है मजार, हम अंदर नहीं जाएंगे, कोई जेंट्स होता तो जाता हमारे साथ में। बाकी चलते हैं इस बीच साइड से, पूरा पीछे पानी का है तो अंदर पानी के लिए चलते। एक्चुअली ये कुछ बन रहा है या कुछ तो हो रहा है, इसके लिए ये सब लगा हुआ है। तो फाइनली ये है फूड कोर्ट, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है क्या खाने को, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है। बाकी यहाँ पे है सब वही चाय नहीं है पापा, चाय का वहाँ सामने पूछना पड़ेगा शायद। यहाँ पे सिर्फ स्नैक्स है, समोसा वड़ा पाव वगैरह। तो यहाँ पर बैठने की अरेंजमेंट हो रही है, और ये देख लो वाओ इतना अच्छा लग रहा है। अभी पानी पे भी जाएंगे पर पहले कुछ खा लेते हैं और जोहान को दूध पिला देते हैं। बाकी ये सब देख लो, पानी में इंजॉय करे। तो यहाँ पे मम्मी ने ले आई है गर्मा गर्म नाश्ता, ये है कबाब पाव, कबाब देख लो कैसे गोल गोल है। और यहाँ के ना ये चटनी बहुत फेमस है, और ये चटनी है ना अभी तक तो हम लोग हाजी अली में ही खाए समोसे के साथ, बाकी कहीं दूसरी जगह पे मुझे आज तक बाहर मिली नहीं है। ये है गर्मा गर्म वड़ा पाव, मम्मी गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, हल्का गर्म है। चलो इंजॉय करते हैं। चलो सो फाइनली हमारा स्नैक्स टाइम हो चुका है, मतलब हम लोग ने थोड़ा सा पेट पूजा कर ली है, लाइक थोड़ा सा खा लिया हम लोग ने। और ये गर्मा गर्म चाय, और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। हाय हाय गाइस, तो बस अभी चाय पी के चलते हैं पानी के अंदर। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं पानी में, और हम लोग यहाँ से पूरा उतर कर आए हैं। अंधेरा इसके लिए ज़्यादा दिख नहीं रहे, बाकी अभी भी बहुत रश है, तो चलते हैं आगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, और इतनी ज़्यादा कमी है ना यहाँ लाइट की, तो टॉर्च जला के खड़े हुए। बाकी इतनी मस्त हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रही है, टॉर्च देख लो और ये देख लो लहर इतनी मस्त मस्त आ रही है। तो बस फटाफट से अभी यहाँ पे 2-3 फोटो शूट लेते हैं, क्योंकि बाकी कुछ तो नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा पानी में इंजॉय करते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं। तो ये है अभी कुछ इस वक्त शाम के टाइम हाजी अली का माहौल, और ये सामने जो बिल्डिंग है इसमें लाइक रुक सकते हैं। ये रहना मम्मी, ये रहने की बिल्डिंग है ना, और ये खजूर का झाड़ है ना इतना बड़ा, कि नारियल का, सॉरी नारियल का झाड़ है। और लाइक इधर पर है सामने पीने का पानी का
एकदम ठंडा ठंडा पानी रहता है और ये कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। अगर आपको मतलब नॉर्मली घर से आ रहे हो पानी वगैरह चाहिए तो आप इधर पे से पी सकते हो, वरना ये बिस्लेरी तो मिल ही रही है। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और यहाँ पे सब पी रहे चाय इंजॉय कर रहे पीते हुए। हाँ देखो, सो गाइज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग को जितना खासा अच्छा खासा इंजॉय करना था हम लोग ने किए, थोड़ा पानी वगैरह में भी खेले। हम लोग लेट हो गए थे इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं चौपाटी, थोड़ा चौपाटी में भी इंजॉय कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ है भी नहीं और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी कम है अभी। तो हर जगह बहुत थोड़ा मतलब साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, बट पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि हर जगह गंदगी कर दे रही है, तो बैठने का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग ने सोचा है कि अभी वक्त है 8:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा चौपाटी जाते हैं। चौपाटी में 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं। मेरी है ना आईफोन की बैटरी लो हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है अगर आईफोन यूज़ कर रहे हो तो पता है आईफोन की बैटरी कितनी जल्दी लो होती है। तो अगर चौपाटी जाने तक आईफोन की बैटरी बची रही तो मैं चौपाटी का इवनिंग का टाइम बताऊंगी कैसा है क्या है। ठीक है, तो चलो फटाफट चलते हैं चौपाटी। किस किस को खाने का पान बोलो? तो पान बोलो सब 20-20 रुपए के। सब और वो क्या है बताओ, मावा है ना मीठा मावा, कितने का है? ये 10 रुपए का है। पान है, खा रही है तुम पान? ये मावा है मीठा मावा, एक लू क्या टेस्ट करने के लिए? पान भी ले लो। पान दो ना, वो वाला चाहिए, ये रैप वाला दो। हाँ, तो हाजी अली का फेमस पान बताओ उसके अंदर क्या है? कितने? 20 रुपए का है, पूरा मसाला भरा हुआ है ना मीठे पानी का, खजूर है और पूरा मीठा वो है, सेम मसाला है बस। हाँ, और वो उसे